नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। इंडोनेशिया अपनी खूबसूरती के कारण ज्यादातर लोगों की फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ की लगभग आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन यहाँ फिर भी हिंदू संस्कृति की छाप हर घर में देखने को मिलती है। यहाँ हिंदुओं के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ के जावा द्वीप पर एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ कई सालों पुराना शिवलिंग है। जानकारी के अनुसार यहाँ शिवलिंग स्फटिक से बना है जिसके अंदर मौजूद तरल द्रव्य को स्थानीय लोग अमृत मानते हैं। वैसे तो इस मुस्लिम देश में तमाम हिंदू मंदिर हैं, लेकिन आज हम यहाँ बात करने वाले हैं पांच प्रसिद्ध और खूबसूरत मंदिरों की जो कि इंडोनेशिया में बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी अवश्य लाइक करें। सबसे पहला मंदिर है, वह है तनह लोट मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। बाली घूमने जाने वाले पर्यटक इस मंदिर के दर्शन करना नहीं भूलते। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। अपनी खूबसूरती के कारण यह मंदिर इंडोनेशिया के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की सूची में आता है। दूसरे हिंदू मंदिर की बात करते हैं मित्रों, वह है पूरा बेसकीह मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर को 1995 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। ये मंदिर बेहद ही पुराना है। यहाँ हिंदू देवी देवताओं की कई प्रतिमाएं हैं। इस खूबसूरत मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तीसरे मंदिर की बात करते हैं मित्रों, वह है पूरा तमन सरस्वती मंदिर। ये मंदिर ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित है। इस मंदिर में बना सुंदर कुंड यहाँ का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। इस मंदिर में हर रोज संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यहाँ भी देवी सरस्वती की पूजा संगीत और ज्ञान की देवी के रूप में की जाती है। चौथे हिंदू मंदिर की बात करते हैं, वह है सिंहसरी शिव मंदिर। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 13वीं शताब्दी के करीब हुई थी। यहाँ भगवान शिव का अलौकिक रूप देखने को मिलता है। इस मंदिर में भगवान शिव के त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। पांचवें मंदिर की बात करते हैं मित्रों, जो कि हमारे इस वीडियो का अंतिम मंदिर है, वह है ब्रह्मानंद मंदिर। मित्रों, ये मंदिर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी को समर्पित है। इस मंदिर को भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। यहाँ त्रिदेवों के साथ उनके वाहनों के लिए भी अलग से मंदिर बना हुआ है। तो मित्रों, यह थे इंडोनेशिया में स्थित पांच प्रमुख हिंदू मंदिर। वैसे तो आपको पता ही होगा कि इंडोनेशिया के हर घर में हिंदू संस्कृति देखने को मिलती है। वहाँ के लोग रामायण पढ़ते हैं क्योंकि वह भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं और वह रामायण महाभारत को गर्व से अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। इंडोनेशिया से सभी मुस्लिम देशों को सीख लेनी चाहिए। तो मित्रों, आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो दी साइंटिफिक हिंदू को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।